ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भागवतम के आठवें स्कंद के तीसरा अध्याय का चौथा श्लोक। अध्याय का शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धर्तुक्स्याक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः। यस्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तरोहितं अविद्धर्तुक्स्याक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः। यस्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तरोहितं अविद्धर्तुक्स्याक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः। शुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो मावतु मा परात्परः। माताएं जय नरसिंह देव भगवान की जय। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। यह जो भगवान स्व आत्मनि अपने में इदम इस विराट जगत को निज मायया अपनी निजी शक्ति से अर्पितम लगा हुआ क्वचित कभी कभी कल्प के प्रारंभ में विभातम प्रकट होता है क्वच कभी कभी
प्रलय के समय तत् वह तिरोहितम अदृश्य अविद्रदृक् वह सब कुछ देखता है। इन सभी परिस्थितियों में साक्षी गवाह उभयम दोनों उत्पत्ति तथा प्रलय तत् इक्षते दृष्टि की हानि के बिना सब कुछ देखता है वह भगवान आत्ममूलः आत्मनिर्भर अन्य कारण न होने पर अवतु कृपया हमें रक्षण दे माम मुझको परात्परः दिव्य से भी दिव्य समस्त आध्यात्म से परे। अनुवाद जय श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में कारण तथा परम कार्य प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों हैं। इस जगत इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। तात्पर्य भगवान की शक्तियां अनेक हैं, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। अतएव जब भी वे चाहते हैं अपनी किसी एक शक्ति का उपयोग करते हैं और इस तरह विस्तार करके इस दृश्य जगत की सृष्टि करते हैं। पुनः जब यह दृश्य जगत विनष्ट हो जाता है तो यह उन्हीं में आश्रय पाता है, फिर भी वे अच्युत परम प्रेक्षक हैं। वे किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन रहित रहते हैं। वे मात्र साक्षी के रूप में सारी सृष्टि तथा संहार के पृथक संहार से पृथक रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। मैं उपस्थित सभी भक्तवृंद का, सीनियर वैष्णव का, संघर्ष नेता प्रभु सभी वैष्णव का आशीर्वाद याचना करता हूँ। वास्तव में कुछ समय के लिए धाम में आने को मिलता है और ये बार हम धाम में जब आ रहे थे तो हमारा मन में विचार ऐसा था कि हम प्रार्थना करेंगे कि भागवत के प्रति हमारा श्रवण और अध्ययन की रुचि ज़्यादा बढ़े और हम उसमें थोड़ा आश्रित प्राप्त हो। और अब ये सेवा जब मिला है तो थोड़ा हम बहुत ही अलग महसूस कर रहे हैं स्वयं को, लेकिन ये समझ आया कि शायद धामवासी हमें चाहते कि हम थोड़ा भागवत में और अपनी मति लगाएं और उनके आशीर्वाद से ही ये सब पॉसिबल है। तो आप सज्जन कृपया मेरे ऊपर आशीर्वाद कीजिए, मैं कृपा याचना करता हूँ। यहाँ पर ये प्रसंग जो चल रहा है गजेंद्र की समर्पण स्तुति आठवें अध्याय आठवें स्कंद में दूसरे तीसरे और चौथे अध्याय में, ये गजेंद्र हाथियों के राजा, इनको भगवान किस तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, संरक्षण करते हैं, इसके बारे में वर्णन आता है। और पिछले अध्याय में हमने देखा है कि किस तरह से गजेंद्र अपनी ही दुनिया में मदमत्त होकर चल रहे थे, स्वयं को पूरा राजा मान रहे थे, छोटे मोटे प्राणी लोग तो उनसे भयभीत होकर पास में भी नहीं आते थे, बड़े बड़े लोग तो दूर जाते थे, यहाँ तक कि त्रिकुट माउंटेन जो था वो भी कांपता था जब चलते थे, तो मतलब उनका काफ़ी वर्चस्व था, काफ़ी नियंत्रण था। पूरे त्रिकुट और त्रिकुट के आसपास इर्द गिर्द में जितने ही झाड़ी और या जंगल था, लेकिन ऐसे स्थिति में उनके ऊपर जब प्रहार हुआ, एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया, जब वो अपने पूरे परिवारजनों के साथ, मित्रों परिवारों के साथ में नहाने का, स्नान करने का, हाथी के लिए पानी उड़ाना अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, पानी में क्रीड़ा करना, तो प्रयास कर रहे थे आनंद लेने का, लेकिन अचानक से ग्रह ने, मगर ने उनको पकड़ लिया। और शुरुआत में तो उनको मन में लगा कि ये क्या है, बाकी इतने सारे भाग जाते हैं फटाफट, इसको तो यूं हाथ पैर कर दूंगा तो उड़ जाएगा। एक उनका स्वभाव जो बना था नियंता का, उसके चलते सोच रहे थे इसको ऐसा झटक दूंगा, लेकिन प्रयास रत रहे वो और प्रयास काफी करना पड़ा उनको, छूट नहीं जा रहा था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हाथी जो है भूमि के ऊपर का प्राणी है और ग्राह मगर जो है पानी के अंदर, तो बड़ा ज्यादा शक्तिवान था और इसलिए शक्ति लगाने के बाद भी गजेंद्र जो है राजा वो छुड़ा नहीं पा रहे थे। वर्णन आता है 1000 साल तक ये युद्ध चालू रहा, देवतागण भी स्वर्ग से देख रहे थे, अभी क्या हो रहा है, कौन ऊपर की स्थिति में है, कौन जीत रहा है। भारत में अक्सर देखने को मिलता है कई साइकिल वाले का रिक्शा वाले का झगड़ा हो जाता है तो लोग तुरंत आकर देखना चालू कर देते हैं क्या हुआ, अपना सब काम छोड़ के खड़े हो जाते हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे देवतागण भी देख रहे थे कि क्या चल रहा है, शायद वो अपेक्षा कर रहे थे कि ये मदद में है, इनको मदद चाहिए, लेकिन गजेंद्र पूरे अपनी शक्ति के साथ में लगे थे कि मैं स्वयं को छुड़ा दूंगा। लेकिन जब उनके प्रयास पूरे विफल हो गए थे, उन प्रयासों को विफल होने के बाद जब वो हम्बल्ड हो गए थे, विनम्र बनाने के लिए वश किए गए थे, जबरदस्ती करना पड़ा, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं मटेरियल नेचर साइलेंटली मेक्स यू ओल्ड, भौतिक प्रकृति है
आदमी को चुपचाप बुड्ढा बना देती है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो हम चाहे या न चाहे, लेकिन हमारे ऊपर प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव बड़े ही पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो वैसे ही गजेंद्र भी 1000 साल तक पूरी तरह से अपना जोर लगाने के बाद में हम्बल हो गए थे थोड़े, अरे शायद ये अभी मेरे कंट्रोल की बाहर की बात है। और इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने जो की थी अपने पूर्व जन्म में, वो उनको उस समय में काम आई। जो उन्होंने भगवत भक्ति की थी, प्रार्थनाएं अर्पण की थी, वो उनको उस समय तुरंत स्मरण आ गया। नेहाधिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमने मंत्र का उच्चारण करना चाहिए बार बार, जिसके माध्यम से हमारे संस्कार में, हमारे स्मरण में वो मंत्र पूरी तरह से बैठ जाए, तो हम शरीर बदलने के बाद भी उसका याद आए। वही यहाँ पर हुआ है गजेंद्र के साथ में। प्रभुपाद जी लिखते हैं हमने तो हरे कृष्ण महामंत्र गाना ही चाहिए, इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यामी तरतो नरसिंहो ईश्वर परम कृष्ण, इन सभी मंत्रों का रिसाइटेशन करना चाहिए। और यही मंत्र उनको स्मृति में रहे उनके, हालांकि वो अपना शरीर बदल चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी जो सूक्ष्म शरीर वो उनकी चेतना को कैरी कर रहा था। जिस तरह से हम सुनते हैं भरत महाराज के प्रसंग में भी, भरत महाराज सब कुछ त्याग कर, मलवत त्याग कर जंगल में चले गए थे, लेकिन जंगल में जाने के बाद आसक्त हो गए हिरण के साथ में। अपनी साधना करते समय हिरण के साथ आसक्त हो गए, लेकिन पुनः एक बार जब उनको हिरण की आसक्ति से मृत्यु आया था तो वो हिरण बन गए अगले जन्म में। लेकिन फिर भी उनकी मति जो थी अपनी साधना में, भगवान की आराधना में लगी थी, क्योंकि उनकी जो चेतना थी, सूक्ष्म शरीर था, वो भक्ति को कैरी कर रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पर गजेंद्र भी बड़े भयावह स्थिति में थे। ऐसे व्यक्ति को जिनसे पूरा वो पहाड़, त्रिकुट माउंटेन जो पर्वत है, पूरा हिलता था, सारे शेर बड़े बड़े चीते उनको डर कर भाग जाते थे, ऐसे गजेंद्र को जो पावरफुल नियंता थे, लेकिन वो उनको नम्र होना पड़ा प्रकृति के सामने। तो उस समय बड़े विवश होकर वो प्रार्थनाएं अर्पण करना चालू कर दिए, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं। गजेंद्र कहने लगे मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूं, ओम नमो भगवते तस्मै एतत् चिदात्मकम्, नमस्कार करता हूँ उन्हीं को, उन्हीं के कारण शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण कर्म करता है, अतः वह प्रत्येक जीव के मूल कारण है। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय हैं और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट है, मैं उनका ध्यान करता हूँ। और उसमें ही आज की भी चर्चा कर रहे, पिछले कल के श्लोक में वो बता रहे थे कि किस तरह से वो हर जगह विद्यमान है। भगवान ही वह परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है, वे वह अवयव है जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, तथा वे वह पुरुष है जिनसे सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है, फिर भी वे कारण कार्य के पृथक है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो सभी प्रकार के आत्मनिर्भर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से, हमने कल देखा होगा कि वो मिट्टी का और घड़े का उदाहरण देते हैं कि मिट्टी का घड़ा मिट्टी पे ही स्थित रहता है, जो मिट्टी बनाने वाला कुम्हार रहता है उसका शरीर भी मिट्टी से ही बना हुआ है, उसका जो चक्र होता है बनाने का वो भी मिट्टी से ही बना होता है, और वो घड़ा भी मिट्टी से ही बना होता है, तो सब कुछ मिट्टी का। इस तरह से भगवान किस तरह से सर्वजगत व्याप्त हैं। और आज के इस श्लोक में
भगवान को साक्षी बताया जा रहा है, एक प्रेषक तथा साक्षी है। तो गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं हैं, जो भी प्रार्थना होती है गजेंद्र सिंह देव भगवान की, प्रार्थनाएं जो है भगवान भक्तों से करवाते हैं, जब भक्त जो करता है भगवान के प्रति स्वेच्छा से, वो वास्तव में उसके दिव्य भाव को, अपनी भगवत भक्ति को निकालता है पूरी तरह से बाहर। उस स्थिति में, प्रार्थना की स्थिति में, भक्त जो होता है भगवान के सच्चिदानंद रूप, भगवान के धाम तथा भौतिक जगत और भौतिक जगत के सृष्टि का स्थिति क्या है, इस सब चीज़ों से अवगत होता है। जैसे हम हर प्रार्थना में देखेंगे तो प्रार्थना के शुरुआत में ये सब प्रार्थनाएं आती है कि आप किस तरह से नियंत्रक हो, आप किस तरह से प्रोपराइटर हो, कंट्रोलर हो, एंजॉयर हो, भगवान के बारे में वर्णन आता है। और उसके बाद में चाहे वो नागपत्नी की प्रार्थना क्यों न हो, या चाहे भरत महाराज की प्रार्थना क्यों न हो, या कोई किसी भी परीक्षित महाराज की, हर हर शुद्ध भक्त की जो प्रार्थनाएं देखते हैं, तो शुरुआत वो भगवान के सर्वस्व का, भगवान किस तरह से सर्व जगह सर्वव्यापी है और सब चीज़ों को नियंत्रण करे, इसके बारे में बताते हैं। तो वास्तव में वो चेतना, सबसे ऊंची चेतना हम समझ सकते हैं कि तीनों चीज़ों से वो अवगत है, अंतरंग बहिरंग शक्ति से और स्वयं की तटस्थ शक्ति में किस तरह से वो जकड़े हुए है। और प्रार्थना ये तो है भगवत भक्ति का एक अंग ही है, नवदा भक्ति में जिस तरह से बताया गया है। इसी स्कंद के पहले अध्याय में एक सुंदर श्लोक आता है जहां पर वर्णन आता है कि किस तरह से भगवान साक्षी है। ये मनु कह रहे हैं, यम पश्यति न पश्यंत यत् चक्षुर्यस्य न रिष्यति तं भूत निलयं देवं सुपर्णम् उपधावत। तो यद्यपि भगवान विश्व के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। तो भगवान सबको देखते हैं, लेकिन भगवान को हर कोई नहीं देख पाता। फिर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उन्हें कोई नहीं देखता, अतएव वे भी उसे नहीं देखते। हम भगवान को नहीं देख पा रहे, इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमको नहीं देख सकते हैं। स्मरण रहे कि उनकी देखने की शक्ति में कभी रास नहीं आता। जय श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की, श्री श्री पंचतत्व की जय। समय के साथ में जीवात्मा के स्मरण में या दृष्टि में रास आता है, लेकिन भगवान में कभी रास नहीं आता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन परमात्मा की पूजा करे जो प्रत्येक जीव के साथ मित्र रूप में सदैव रहते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से भगवान सर्व कारण कारण, लेकिन जीवात्मा को भगवान को सर्व कारण कारण देखने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो इमीडिएट कारण के प्रति पीछे लगा रहता है। जब भी कुछ घटना उससे जीवन में घटती है तो क्या करता है, वो किसने किया वो घटना उसको पहले देखता है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है नहीं देखता है। जैसे कि कोई भी चीज़ घटती है तो उसके पीछे एक इमीडिएट कारण होता है, एक रिमोट कारण होता है और एक अल्टीमेट कारण होता है। तो जो व्यक्ति तीनों को देख पाता है, अल्टीमेट कारण को देख पाता है, वो सब कुछ अच्छी तरह से देखता है। लेकिन जो व्यक्ति तुरंत इमीडिएट कारण को देखता है तो वो चीज़ों को सही सही समझ नहीं पाता अपने जीवन में। चलो प्रभा जी कहते हैं, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। जैसे पोस्टमैन अगर कोई बुरी न्यूज लेके आता है तो हम उसे मारपीट नहीं देते कि अरे भाई तू गलत न्यूज क्यों लेके आया, तूने ही गलत न्यूज लाई। नहीं, वो तो पोस्टमैन है। तो उसी तरह से अपने जीवन में इतनी सारी घटनाएं घटती है, उन घटनाओं को अक्सर हम देखते हैं इमीडिएट कॉज, इसने मेरे जीवन में ऐसा किया, इस परिस्थिति के कारण मेरे जीवन में ऐसा हुआ, इस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ, इस वस्तु के कारण मेरे जीवन में ऐसा हुआ। तो ये हमें इमीडिएट कॉज जो तुरंत दिखाई पड़ता है।
लेकिन यहाँ पर गजेंद्र जो है पूरी चेतना में है, वो केवल इमीडिएट कॉज को नहीं देख रहे, वो देख रहे कि भगवान सर्व कारण कारण है, सभी चीज़ों के कारण है, इनके पीछे उनका कुछ हाथ है, और वास्तव में वो भगवान को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। इसके एकदम विपरीत होता है मॉडर्न थिंकिंग। मॉडर्न थिंकिंग क्या होती है, वो सोचते हैं कि सब कुछ चीज़ें अपने आप आ गई है, बाय चांस, बिग बैंग, एक छोटे विश्व की निर्मिति के लिए, एक बड़े छोटे से चीज़ की निर्मिति के लिए व्यक्ति जरूरत होती है। लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्स कैसे आया है, पूरे विश्व की सृष्टि कैसी हुई है, तो बाय चांस थ्योरी बना दी कि अचानक से कहीं से दो ये विश्व की निर्मिति हुई है। या कुछ लोग का कहना है बिग बैंग थ्योरी, एक धमाका हो गया और धमाके में से ये विश्व निर्मित हो गया, तो एग्जैक्टली अपोजिट, क्योंकि वो परम कारण को बिल्कुल देख नहीं पाते अपने जीवन में। इसलिए अपने जीवन में कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करती है, वो कहती है नमस्ते पुरुषम तु आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्याम सर्वभूतानाम अंतर बाहिर अवस्थितम। नमस्ते पुरुषम तु आद्यम, आप पुरुष हो, लेकिन पुरुष आप कैसे हो, आदि पुरुष। ईश्वरम, आप नियंता हो, केवल पुरुष नहीं आदि नहीं लेकिन सभी चीजों के आप नियंता हो, और नियंता होने के बाद ईश्वरम प्रकृते परम, इन तीनों गुणों से परे हैं आप, सच्चिदानंद। अलक्षाम सर्वभूतानाम, लेकिन सभी जीवात्माएं जो है आपको देख नहीं पाती है, हालांकि आप अंतर बाहिर अवस्थित हो, आप हर एक जीवात्मा के हृदय में विद्यमान हो, आप इस सृष्टि में विराट रूप के स्थिति में विद्यमान हो, और हर कण कण में आप विद्यमान हो भगवान, लेकिन आपको जीवात्मा देख नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है, उसकी अपनी चेतना जो भौतिक चीजों में लगी हुई है, उसी के कारण वो देख नहीं पाते। इसी के संबंध में एक बहुत सुंदर कथानक आता है, जैसे एक गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा था, चार शिष्यों को, आपको जो है ये महाप्रसाद काम है, ये ले लीजिए, और आपको ये खाना है, और ऐसी जगह जाकर उसका ग्रहण करना है, आस्वादन करना है, जहां आपको कोई नहीं देखेगा। तो चारे विद्यार्थी बड़े खुश हो गए, चलो गुरुजी ने हमको महाप्रसाद दिया है। चारों गए, तीन तुरंत वापस आ गए थोड़ी समय में, चौथे को थोड़ा समय लग गया, वो भी वापस आया, लेकिन पहले तीनों ने आम पूरी तरह से ग्रहण कर लिया था, खा लिया था, और चौथा आम लेकर वैसे ही वापस आ गया। तो गुरुजी पूछते, अरे आपने आम कहाँ खाया? तो गुरुजी, मैं ऐसी जगह चला गया था जंगल में, कोई नहीं था, केवल मैं ही था, और पेड़ थे आसपास में, कोई देख नहीं रहा था मुझे, मैंने बहुत अच्छे से आम खा लिया, कोई किसी ने नहीं देखा, और आने के पहले मैंने हाथ भी धो लिए थे, किसी को पता ही नहीं चला। तो गुरुजी बोलते, ठीक है। दूसरे को पूछते, आप कहाँ गए थे? वो थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान था, वो बोला, मैं तो गुरुजी पास में जो पुकुर है, तालाब, उसके अंदर चला गया था, वहां जाकर आम को खा लिया बड़ी देर से, किसी ने नहीं देखा मेरे को, एकदम अकेला था मैं। गुरु बोलते, अच्छा ठीक है। तीसरे को पूछते हैं, तीसरा थोड़ा आलसी भी था लेकिन ज्यादा बुद्धि लगाता था, बोलते गुरु जी क्या करूं, मैं जो है अपने भगवान के जो विग्रह है अल्टर, उसी के अंदर चला गया था, दोपहर का समय था, अल्टर बंद था, विग्रह के पीछे बैठ के बस खा लिया मैंने। तो गुरु बोलते आश्चर्यचकित हो जाए गुरु,
बाद में चौथे को बोलते हैं, अरे आपने क्यों नहीं खाया? तो बोलते क्या करूं मैं, हर जगह गया मुझे कोई ना कोई देख ही रहा था, आश्रम और अपने गुरुकुल में तो छोड़ ही दो, जंगल में जाओ तो वहां पेड़ पौधे थे, पंछी थे, जंगल से भी कहीं दूर जाने का प्रयास किया तो चारों दिशाएं मुझे देख रही थी, सूर्य चंद्र मुझे देख रहे थे, वायु मुझे हमेशा मेरे साथ में थे, मैं किस जगह पर जाऊं, मैं किस तरह से उसको खाऊं, बड़ा परेशान रहा। अंत में मैं उसको नहीं खा पाया गुरुदेव, इसलिए मैं आपके समक्ष वापस उसको यथारूप लेकर आया कि मैं इसको नहीं खा सकता हूं। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर मुझे कोई देख नहीं रहा। गुरु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं इस विद्यार्थी को, इस शिष्य को देख के, उसको शाबाश के देते हैं, बोलते बड़े बहुत अच्छे, आपने परीक्षा पास कर ली है, उत्तीर्ण हो गए आप। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। वो हर जगह भगवान को देखता है, भगवान के रूपों को देखता है, हर जगह देखता है। वैसे ही ये श्लोक में भी, जो 11वें श्लोक में हमें पढ़े थे, यही बात बताई गई। य पश्यति न पश्यन्तम्, यक्षुर्यस्य न रिष्यति, न भूतनिलयम् देवं सुपर्णम् उपधावत। यद्यपि भगवान निरंतर देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख पाते। कभी हम भगवान के सामने समक्ष खड़े हो जाते हैं, भगवान को छोड़ के सब कुछ दिखे देख लेते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं देख पाते, क्योंकि भगवान हमें देख रहे हैं लेकिन हम उनको नहीं देख पाते। तो हम हाल ही में सुना था कि हमें तीन प्रकार के चक्षु होते हैं, यात्रा के दौरान हमने सुना एक कथा में, कि एक होते चर्म चक्षु, एक होते ज्ञान चक्षु और तीसरे होते प्रेम चक्षु। तो चर्म चक्षु से जैसे हम चर्चा कर रहे थे, आधुनिक लोग जो है सब चीजों को अपने आप देखना चाहते हैं, हर चीजों को स्वयं से परखना चाहते हैं, असेंडिंग नॉलेज, आरोहण पंथ, हर चीजों को यथारूप देखकर समझकर, हाँ ये ऐसा हो सकता है, तभी उसको विश्वास करेंगे। लेकिन वास्तव में उनको पता नहीं कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर वो विश्वास देखते नहीं है, लेकिन फिर भी वो वास्तव में विद्यमान होती है। हवा दिखती नहीं है लेकिन हवा श्वास हर समय लेते हैं, उसके विपरीत मृग तृष्णा दिखती है, मृग जल मृग मरीच पानी दिखाई पड़ता है लेकिन होता नहीं है। तो सीइंग इज बिलीविंग, तो आजकल की दुनिया पूरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सीइंग इज बिलीविंग के ऊपर वो ज़्यादा एक्टिव है, वो उनसे ही देखना चाहते हैं, उनसे ही समझना चाहते हैं। तो चर्म चक्षु से हम स्वयं को भी ठीक से देख नहीं पाते, तो फिर भगवान के भक्तों के बारे में तो क्या कहना, तो देख ही नहीं पाएंगे कभी। जैसे कनिष्ठ अधिकारी के व्याख्या में यही आता है कि वो व्यक्ति आता है केवल भगवान को जानता है, भगवान मंदिर में और किसी को नहीं जानता, भक्त क्या कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, कौन यहाँ पर उपस्थित है, नहीं, वो सीधा आएगा भगवान के पास जाएगा, ये हुंडी भगवान की, भगवान के पास थोड़ा दक्षिणा करेगा, भगवान का दर्शन लेके सीधा चला जाएगा, आसपास में कहीं नहीं देखेगा। ये नियोफाइट नेचर बताया गया है। लेकिन जैसे ही भगवान और भगवान के भक्तगण, उनके पार्षद, उनके तदीय, शिवजी कहते हैं तदिया नाम समर्चनम आराधनान अपि सर्वेशां विष्णुर आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो उनसे भी कृपालु होते हैं और वह जल्दी एक्सेसिबल भी होते हैं। इसलिए मध्यम अधिकारी की स्थिति में वो चर्चा आती है कि वो ईश्वरे तद अधिनेशु बालिशेषु दिशश्च च प्रेम मैत्री करुणा उपेक्षा यह करोति समध्यम। तो मध्यम अधिकारी जो होता है वो चार चीजें डिस्टिंग्विश करता है अच्छी तरीके से, प्रेम भगवान के प्रति प्रेम, मैत्री भक्तों के प्रति मैत्री, करुणा जो अज्ञ है, जो अज्ञान में है, और उपेक्षा जो द्वेष है उनसे दूर रहना है। तो इस तरह से वो
डिस्टिंग्विश करता है, लेकिन हर कोई चीज़ वो भगवान के समन में, भगवान के कनेक्शन में ही देखता है। तो चर्म चक्षु से चीज़ें यथारूप प्राप्त नहीं होती, समझ में नहीं आती हैं, लेकिन वही हम शास्त्र चक्षु से चीज़ों को यथारूप देख सकते हैं। जैसे भगवान गीता में शास्त्र चक्षु दिए हैं कि किस तरह से चीज़ें विद्यमान हैं। चर्म चक्षु का एक उदाहरण जैसे शिल प्रभुपाद जी बड़े खुशी से बताते थे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी को कोट करते हुए कि हमारे पीएचडी स्टूडेंट भक्त ने साइंस को चैलेंज किया था, साइंटिस्ट को चैलेंज किया था। क्या चैलेंज किया थे? कि अगर आपको हम सब रसायन दे देंगे तो क्या उससे आप जीव निर्विंद कर सकते हैं, जीवन का स्रोत उगम कर सकते हैं, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ के बारे में आप पूछ रहे थे। तो प्रभुपाद जी बड़े खुश होकर बताते थे कि लोग बोलते हैं कि हाँ सब कुछ रसायनों से आया है, पदार्थों से आया है, जीवन भी पदार्थ से ही आया है, लेकिन आपको अगर सब रसायन सब पदार्थ दिए जाएंगे तो क्या जीवन का आप उत्पत्ति कर सकते हो? नहीं। तो शास्त्र चक्षु हमको यथारूप सब चीज़ें बताती हैं। भगवान कहते हैं गीता में, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा अपरेयामितस्तु अन्या प्रकृति विद्धि मे पराम जीवभूत महाभावो इदं धार्यते जगत। और आदमी बोलते हैं, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो मैं उस तरह से हर जगह विद्यमान हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इम्पर्सनलिस्ट जो लोग हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से भगवान व्यक्ति भगवान कह रहे कि मैं किस तरह से हर जगह विद्यमान हूँ। तो यहां पर शास्त्र चक्षु से हमें चीजें यथारूप समझ में आती हैं कि किस तरह से भगवान और भगवान की शक्ति से ही सब कुछ उद्धृत है और उनसे ही कनेक्टेड है और उनसे कनेक्शन के बिना कुछ चीज वास्तव में है ही नहीं है। इसी चीज का एप्लीकेशन करते हुए प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, इवन द ड्रंकर्ड्स दोज हु ड्रिंक्स अल्कोहल दे कैन थिंक दैट रसोहम अपसु कौनते द टेस्ट ऑफ द वॉटर इज कृष्णा सो टेस्ट ऑफ द लीकर ऑल्सो इज द कृष्णा सो स्लोली स्लोली दे विल प्रोग्रेस। अगर वो सोचेंगे कि जो शराब होती है उसका जो स्वाद है वो भी कृष्ण ही है, इस तरह से वो क्यों पियेंगे तो धीरे धीरे भगवत भक्ति में कृष्ण की ओर उनकी उन्नति होगी। वो एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहे थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इस चक्षुरिष्य नरिष्यति श्लोक में कि भगवान को देखना बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान को हर कोई देख सकता है, लेकिन एक डिलिबरेट एफर्ट्स और अटेम्प्ट होना चाहिए। वो डिलिबरेट अटेम्प्ट्स और एफर्ट जो होते हैं वो केवल ट्रेनिंग के हिसाब से आते हैं। अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इतना सुंदर तरीके से ट्रेनिंग सिस्टम बनाया है, श्रीमद् भागवत गीता भागवतम का अध्ययन, सेवाएं और गुरुवर्यों से हमें सुनने को मिलता है, शास्त्र का पठन होता है। इट्स अ ट्रेनिंग सिस्टम, थ्रू दैट वी कैन वेरी क्लियरली सी, हम बहुत अच्छे तरह से देख पाते हैं। और इस डिलिबरेट अटेम्प्ट के बाद में जब हम साधना भक्ति में निपुण हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो उन भक्तों के माध्यम से, भगवान के भक्तों के माध्यम से धीरे धीरे हम भगवान के स्नेहों को, भगवान के गुणों को अपने आप में समझ पाएंगे, उनको अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे और भगवान की करुणा, भगवान की इतना भक्त वत्सलता को हम अपने जीवन में समझ पाएंगे। और इसलिए जो भक्त होता है वो भक्त हमेशा कृतज्ञ रहता है भगवान को कि इतने सारे गिफ्ट आपने हमको दिए हैं। भौतिकतावादी विचार कौन से सोचा जाए तो ऐसा लगता है कि भगवान 5000 वर्ष पूर्व आए थे, अभी तो है नहीं भगवान। लेकिन वही दिव्य दृष्टि से देखा जाए, अवतारों ही असंख्यानां, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने सारे अवतार आते हैं, और किस लिए? केवल जीवात्माओं को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए। तो भगवान वास्तव में बहुत भक्त वत्सल है और वो चाहते हैं कि हमारे दृष्टि में आकर
तुरंत बैठ जाए, हमारे हृदय में बैठ जाए, वो तो बैठे ही है परमात्मा स्वरूप, लेकिन हम उससे ज्ञात हो, जीवात्मा उससे समझें, लेकिन जीवात्मा जो है अपनी उन्मुखता के कारण, विमुख होने के कारण भगवान को पूरी तरह से देख नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर हम श्लोक में देख रहे हैं कि किस तरह से गजेंद्र भगवान को पूरी तरह से देख पा रहे हैं। वे सभी परिस्थितियों में कारण तथा परम कार्य, प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों हैं। इस प्रकार से वे सभी वस्तुओं से परे हैं, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। तो बड़े नियंता के भाव के साथ में जो गजेंद्र जब ग्रह से पकड़े गए थे, तो पूर्व जन्म की भक्ति के कारण स्पॉन्टेनियसली उनके हृदय से ये प्रार्थनाएं आ रही हैं, और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी भगवान मेरी रक्षा करें। आगे हम इस अध्याय में देखेंगे कि इस तरह से प्रार्थनाओं के बाद में भगवान हरि आते हैं और उनको बचाते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर वैष्णवगण कोई टिप्पणी करें या कोई प्रश्न है तो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की।